नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह पिछले कुछ महीने से बीमार चल रहे हैं। बता दें कि नरेंद्र सिंह का इलाज पहले दिल्ली में करवाया जा रहा था, जिसके बाद उन्हें पटना रेफर कर दिया गया और पटना के एक अस्पताल में नरेंद्र सिंह का जो इलाज है वो चल रहा है। इसी कड़ी में बात करें तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नरेंद्र सिंह से मुलाकात की और अब मुलाकात हुई है आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की। आपको बताएं कि सुनील सिंह ने ट्वीट करते हुए इन तस्वीरों को साझा किया है, जिसमें वो नरेंद्र सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद सुनील सिंह कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि वो जमकर सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले आपको ये ट्वीट दिखाते हैं, इसके बाद आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। बता दें आपको कि मुलाकात की इन तस्वीरों को साझा करते हुए आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने ये लिखा है कि यह तो संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। जिस व्यक्ति के सौजन्य से पहली बार मुख्यमंत्री का कुर्सी पाया हो और जिस महान व्यक्ति के पुत्र के बैसाखी पर आज भी सरकार टिकी हो, उस सरकार के मुखिया को एक जाति विशेष से इतना घृणा और प्रतिशोध है, मैं तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था। पूरे बिहारवासी ईश्वर से कामना करते हैं कि जितना जल्द हो हमारे अभिभावक आदरणीय नरेंद्र बाबू स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में हो। तो बता दें आपको कि इस ट्वीट के माध्यम से सुनील सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तो बता दें आपको कि ये ट्वीट करते हुए सुनील सिंह जो है वो सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि संवेदनशीलता जो है वो पूरी तरह से नीतीश कुमार की खत्म हो चुकी है और यही वजह है कि उन्होंने अब तक नरेंद्र सिंह से मुलाकात नहीं की। ये नरेंद्र सिंह वही हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने में सीएम नीतीश कुमार की मदद की और आज उन्हीं के बदौलत वो सरकार में टिके हुए हैं। बात करें तो नरेंद्र सिंह जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के भी अच्छे खासे मित्र हैं। कॉलेज के दिनों में ही इन लोगों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद आपातकाल के समय भी नरेंद्र सिंह ने लालू प्रसाद यादव का साथ दिया था और यही वजह है कि ये दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी नरेंद्र सिंह से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और ईश्वर से उनके स्वस्थ होने की कामना भी की। और साथ ही साथ अब तस्वीरें सामने आई है जहां पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की मुलाकात नरेंद्र सिंह से हुई है और इस मुलाकात को लेकर अपनी जो तकलीफ है वो सुनील सिंह ने साझा की है और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार के भी नरेंद्र सिंह जो है वो अच्छे दोस्त रहे हैं। हर बुरे वक्त में नरेंद्र सिंह ने सीएम नीतीश कुमार का साथ दिया, उनका सपोर्ट किया, लेकिन आज देखिए नीतीश कुमार जो है वो किस तरह से बदल चुके हैं। लोगों ने जो उनकी जो लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहे उन्हें ही भूल गए हैं। गद्दी के लालच में इतने ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं कि उन्होंने अब तक नरेंद्र सिंह से मुलाकात भी नहीं की है और ना ही नरेंद्र सिंह के पास अपना कोई संदेशा भिजवाया है। बता दें आपको कि नरेंद्र सिंह इससे पहले दिल्ली में थे, लेकिन अब चूंकि वो पटना के एक अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और यही वजह है कि जो नाराजगी है वो अब सामने आई है आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की। लगातार तेजस्वी यादव जो है वो नरेंद्र सिंह के संपर्क में बने हुए हैं, डॉक्टरों से बातचीत हो रही है, लालू प्रसाद यादव खुद इस पूरे मामले में है और साथ ही साथ ये कामना की जा रही है कि जल्द से जल्द नरेंद्र सिंह जो है वो स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा योगदान अपना राजनीति में दिया है। लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक के अच्छे मित्र रहे नरेंद्र सिंह, लेकिन आज नरेंद्र सिंह पिछले कुछ महीने से बीमार चल रहे हैं और यही वजह है कि बिहारवासी जो है वो उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की जो कामना है वो कर रहे हैं। लेकिन हमला जो है वो आरजेडी की तरफ से बोला गया है नीतीश कुमार पे, जिसमें उनके ऊपर बड़ा आरोप लगाया गया और ये भी कहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के भावना में खो चुके हैं और गद्दी के लालच में उन्हें दूसरा कोई और दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।